हेलो डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो आज का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री के क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आज हम आपको बताएंगे, तो वीडियो एंड तक देखते रहिए। तो माय नेम इज किशन कुमार और आप देख रहे हैं कृष्णा इटावा यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आने की नोटक पहुँचे सबसे पहले। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए, हिंदी मीडियम से हो तो भी आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखते रहें। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें कि ए प्योर सबस्टेंस कैन ओनली, और बी ऑप्शन देना है एन एलिमेंट, और सी ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है एन एलिमेंट और कंपाउंड, और यहाँ पर डी ऑप्शन दे रहा है ए हेट्रोजेनस एंड मिक्सचर्स। और यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन। यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पर ऑप्शन भी यहाँ पर दे रखा है। तो इसका राइट आंसर होगा एलिमेंट और कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर है सी। तो आप लोग नोट कर लीजिए, अगर नोट नहीं किया है तो कॉपी पेन उठाइए और नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पूछ रहा है कि द फादर्स ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री के पिता किसे कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रेस्टली, और सेकेंड ऑप्शन है लेवेसर, और डी ऑप्शन है यहाँ पर सी ऑप्शन है डाल्टन, और डी ऑप्शन है मॉडर्न लीफ। तो इसका राइट ऑप्शन आपको पता ही होगा, तो इसका राइट ऑप्शन है वी ऑप्शन, एकदम सही है। लेवेसर को कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। थोड़ा हमारा मोबाइल भी स्लो चल रहा है ना थोड़ा, इसलिए। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर पूछ रहा है पी स्टैंडर्ड फोर, और आप लोग देख रहे हैं एटीपी स्टैंडर्ड फोर। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एलाइनिन ट्राईफॉस्फेट, और डी ऑप्शन है एड्रेनालाइन ट्राईफॉस्फेट, और डी ऑप्शन है यहाँ पर एस्परजिन ट्राईफॉस्फेट। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा एड्रोसाइन ट्राईफॉस्फेट, एटीपी का स्टैंडर्ड फोर। तो इसका राइट ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलते हैं फोर की तरफ। फोर में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर में यहाँ पर एक बार फिर रिपीट करते हैं हम क्वेश्चन को कि विच ऑफ द फॉलोइंग इन एंच इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए फिजिकल चेंज, मतलब फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है एल्स फॉर्मिंग आफ्टर वाटर इन प्लेसेस इन ए फ्रीजर, सेकंड ऑप्शन है कंटेन लिक्विड इन एडेड टू ए सॉलिड एंड बबल्स ऑफ गैस फ्रॉम फॉर्म, और सी ऑप्शन है एडिंग बेकिंग सोडा एंड वेगन, और डी ऑप्शन है यहाँ पर ए बाइसिकल रेस्टिंग इन द रनिंग। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा आइस फॉर्मिंग आफ्टर वाटर इन प्लेसेस इन द फ्रीज, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछ रहा है कि विच वेरिएंटली ऑफ ग्लास इज हार्ड रेसिस्टेंस, यहाँ पर हार्ड रेसिस्टेंस। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है बॉटल ग्लासेस, सी ऑप्शन है फ्लिंट ग्लास, और सी ऑप्शन है हार्ड ग्लास, डी ऑप्शन है फेरेक्स ग्लास। तो इसका राइट ऑप्शन है फेरेक्स ग्लास। में पूछे गए क्वेश्चन हैं, अब आप लोगों को बता रही हैं ये सब पिछले साल में आए हुए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में पूछ रहा है कि व्हेन द साइंटिस्ट मॉडली मेड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टेबल ही फाउंड दैट एलिमेंट विथ डॉट 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 फेल इन टू द सेम ग्रुप ऑन द टेबल, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है सेम मॉस द सेम मॉस, और डी ऑप्शन है सिमिलर साइज, और सी ऑप्शन है यहाँ पर द सेम कलर, और डी ऑप्शन है सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो इसका राइट आंसर होगा सिमिलर प्रॉपर्टीज। चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की तरफ। आपको जो क्वेश्चन समझ में ना आए हमें बताएं, हम आपको तुरंत आपको व्हाट्सएप के थ्रू आंसर देंगे उसका विथ सॉल्यूशन के।
तो हमारे व्हाट्सएप पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दिया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ऐसी क्वेश्चन हम आपको पल टू पल PDF और सेंड करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। द एल्कोहल यूज इन द पावर एल्कोहल इज, फर्स्ट ऑप्शन है प्रोपेनॉल, सी ऑप्शन है एथाइल एल्कोहल, और डी ऑप्शन है मेथाइल एल्कोहल, और डी ऑप्शन है यहाँ पर एथाइल एल्कोहल वो ग्लाइकोल, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एथाइल एल्कोहल, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन पूछ रहा है, 8 क्वेश्चन में पूछ रहा है, अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि व्हेन यू मिक्स सोडियम हाइड्रोजन एंड ब्रोमेथियोल ब्लू एंड बिकम ब्रोम, दिस इन एग्जांपल ऑफ द रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर एक्सोथर्मिक, डी ऑप्शन है इनहेबिटर्स, और सी ऑप्शन है यहाँ पर रिडक्शन, और डी ऑप्शन है यहाँ पर एड्रोथर्मिक, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एक्सोथर्मिक, यहाँ पर डॉट डॉट की जगह पर लिखा जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि पेरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय, आप लोगों को बहुत पता होगा कि ये सबसे पहली जो किसने दी है पेरियोडिक टेबल, तो इसका राइट ऑप्शन आप लोगों को दिखाया मेंडलीव, तो आप लोगों को ये तो आप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, आपका ज़्यादा ना टाइम लेते हुए। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहा है कि विच सिंथेटिक फाइबर्स इज क्राउन ऑफ आर्टिफिशियल स्लिक, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है नायलॉन, बी ऑप्शन है रायन, और सी ऑप्शन है कॉटन, और डी ऑप्शन है यहाँ पर ट्राइलेन, तो इसका राइट ऑप्शन है वी रायन, तो आप लोग कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर चलती तरफ, क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर अभी हम दिखा रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज इज केमिकल लेंज, केमिकल चेंज, तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है वाटर इज वोलियंट, और बी ऑप्शन है यहाँ पर वुड इज व्यूनेड, और सी ऑप्शन है यहाँ पर एल्यूमिनियम फ्लूड एंड क्रोमपियल, और डी ऑप्शन है यहाँ पर ग्लास ऑफ सुटरडेज, इसका राइट ऑप्शन है बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है वुड इज वर्नेड, इसका राइट ऑप्शन है वुड इज वर्नेड। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं, 12 में पूछ रहा है द रिएक्शन ऑफ बिटवीन मेथाइन एंड क्लोराइन एंड डिफ्यूजन इन सैंगल सनलाइट इज, यहाँ पर फिर से हम आपको एक बार रिपीट करके बताते हैं क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द रिएक्शन बिटवीन मेथाइन एंड क्लोराइन एंड डिफ्यूज सनलाइट इज, फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शंस पॉल्यूमरिस्ट्रेशन और सबस्टिट्यूशन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सबस्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछ रहा है, हमारा मोबाइल थोड़ा स्लो चल रहा है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है इस प्रकार, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर स्क्रीन पर आप लोग दिख रहा है कि द मास नंबर ऑफ द एटम एंड इक्वल ऑफ द टू द नंबर ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रंस अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, विच एलिमेंट इन द टेबल एबव हैज द हाईएस्ट मास नंबर, इसका फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी ऑप्शन है कार्बन, सी ऑप्शन है बोरोन, और डी ऑप्शन है ऑक्सीजन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑक्सीजन। तो आज का वीडियो हमारा कैसा लगा, प्लीज़ लाइक करें और हमें बताएं वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।